डाउट सेशन से पहले ना थोड़ा सा 15-20 मिनट्स का एक बैकअप टाइप का रखेंगे, है ना, ब्रीफली इसको थोड़ा सा कंसेप्ट पहले एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें मेरा पॉइंट है, रिलेटिव मोशन में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इसलिए, अब आप ये सेकंड चांस है तो सर ट्राई करना जो भी चीज़ बोली जा रही है उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं कोई ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी, और ये एक दूसरे के इनडिपेंडेंट मोशन में है। इनडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि इनडिपेंडेंट मोशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर ए वाला अपने मोशन में कोई चेंजेस लाएगा, यानी वेलोसिटी चेंज करे या अपना एक्सेलरेशन चेंज करे या अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे या किसी भी तरीके से अपने मोशन को अगर वो चेंज कर रहा है, तो बी वाला उससे अफेक्ट नहीं होगा, और ऐसे ही बी वाले में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ए वाले में कोई अफेक्ट नहीं होंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बी है ये भी मोशन की स्टेट में है, ऑब्जेक्ट बी भी मोशन की स्टेट में है और ऑब्जेक्ट ए भी इन द स्टेट ऑफ मोशन है, दोनों ही चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी की अपनी एक वेलोसिटी है कुछ वी बी और ऑब्जेक्ट ए की अपनी एक वेलोसिटी है कुछ वी ए, दोनों मूव कर रहे हैं और ये इस तरीके से चल रहे हैं ना। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये दोनों मोशन में है, ठीक है, ये दोनों ही मोशन में है, ये वी बी इसकी वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटीज मैं लिख रहा हूँ वी बी, इसको हम कहते हैं कि ये इनकी एक्चुअल वेलोसिटी है, और ऐसे ही इसको जो हम वी ए कहते हैं उसको हम कह रहे हैं कि ये भी इसकी एक्चुअल एक्चुअल या इसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी का भी नाम दे सकते हो, एक्चुअल या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इस तरीके से। अभी क्या कर रहे हो आप, हम लोग सिर्फ एक मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं इसमें, एक जस्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट, हाँ अनंत, एक्चुअल और एब्सोल्यूट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, राइट, एक्चुअल कहने का मतलब और एब्सोल्यूट कहने का मतलब कि उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो है। अब आप 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आप मेरी स्टेटमेंट को सुनना और आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों की जो वेलोसिटीज हैं उनमें किसी एक के वेलोसिटी का अपोजिट, किसी एक के वेलोसिटी का अपोजिट, मतलब यहां पर एक वेलोसिटी वी ए है, यहां पर एक वेलोसिटी वी बी है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे यहां पर, सपोज बी, तो बी के पास जितनी भी वेलोसिटी है उसी के बराबर एक अपोजिट वेक्टर, बी के पास जो भी वेलोसिटी है उसी के बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर आप ऐड करो, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, सुपर इम्पोज और सुपर इम्पोजिंग, ठीक है बिगन, सुपर इम्पोजिंग ऑफ, सुपर इम्पोजिंग ऑफ अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी, बस इतना सा कंसेप्ट समझना आपको धीरे से ना, मेरी पूरी कोशिश होगी कि अभी आपका डाउट थोड़ा सा रिड्यूस होगा, सुपर इम्पोजिंग ऑफ अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी, और दोनों में करेंगे, बी में भी करेंगे और ए में भी करेंगे, बी और ए दोनों में करेंगे, यहां पर भी सुपर इम्पोज करेंगे, यहां पर भी इसको हम एक वी बी वैक्टर को सुपर इम्पोज कर रहे हैं अनुसार। हाँ बच्चा एक मिनट को, मैंने जानबूझ के किया है, मैंने इंटेंशनली ये काम किया है ताकि अब आपको समझा सके कि हम लोग करते क्या है, ए वाला मोशन में था, बी वाला मोशन में था, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से कोई मतलब नहीं इनको, फिर हमने क्या किया, बी के पास जितनी भी वेलोसिटी थी उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उस वेक्टर के अपोजिट एक वेक्टर हमने बी वाले में ऐड किया और साथ में ए वाले में भी ऐड किया। अब ऐसा करने के बाद बट नेचुरल है कि बी के पास टोटल वेलोसिटी, मतलब अब आप कहोगे कि इफेक्टिव वेलोसिटी, तो बी के पास राइट साइड वेलोसिटी, बी के पास लेफ्ट साइड वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट है, तो इनका जो टोटल करेंगे ना रिजल्टेंट, तो इसके हिसाब से नाउ बी इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, बी इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, जीरो हो गया, और ए ए वाले की बात करें
तो इसमें एक वेलोसिटी राइट साइड वी ए है और एक वेलोसिटी लेफ्ट साइड वी बी है, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहूं तो वी ए इस तरफ प्लस, देखिए अगर आप वेक्टर कन्वेंशन फॉलो करोगे तो अगर वेक्टर कन्वेंशन में बी की एक्चुअल वेलोसिटी को वी बी वेक्टर कर दें इसके अपोजिट वेक्टर के आगे आपको एक माइनस साइन लगाना चाहिए। अगर हम वेक्टर कन्वेंशन फॉलो करें कि अगर राइट साइड वाले वेक्टर को वी बी कह रहे हो तो लेफ्ट साइड वाला वेक्टर माइनस वी बी, तो ये एक्चुअल में अगर हम वेक्टर के हिसाब से लिखेंगे ना, स्केलर के हिसाब से नहीं वेक्टर के हिसाब से, तो यहाँ माइनस वी बी लिखना चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स। तो ये चीज हो गई वी ए प्लस माइनस वी बी, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी इज इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ ए, इज इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ ए कब, व्हेन बी इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। सो वी ए माइनस वी बी इज इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब इसको स्टेटमेंट को हम लोग अभी अपने डाउट सेशन में यूज करेंगे, अभी अपने डाउट सेशन में हम इसी का यूज करेंगे। और ये जो क्वांटिटी बनती है ना, फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट, फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट, द इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट द इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज नाउ वेक्टर डिफरेंस, इज नाउ वेक्टर डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटीज, एंड दिस वेक्टर डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटीज इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिर स्टेटमेंट को एक बार दोबारा देखूं, स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखूं। क्वेश्चन क्या होता है कि जब दो चीजें मोशन में होंगी, ए भी मोशन में है बी भी मोशन में है, दो बॉडीज मोशन में चल रही हैं ए एंड बी, देन वी कैन कंसीडर एनी वन to be at rest, either you can consider B to be at rest or you can consider A to be at rest. So for considering any one object to be at rest, we need to consider effective or relative velocity. एक ही मतलब है, effective or relative velocity का मतलब एक हो गया। We need to consider effective or relative velocity of the other object, which is mathematically the difference in their velocities. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पे कंसिडर करना चाहते हो, जिस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कंसिडर करना चाहते हो उसका नेगेटिव वेक्टर, उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाए। सॉरी थोड़ा सा, ठीक है यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो बताओ ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं अभी, क्योंकि फिर देखो ये सलूशन नहीं है बच्चा, मैं 24 क्वेश्चन असाइनमेंट्स में है, मैं 24 के 24 डिस्कस कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो परमानेंट सलूशन नहीं है आपके लिए। परमानेंट सलूशन क्या है कि आप इस कंसेप्ट को समझो। थोड़ी दिक्कत होती है बट अब आप इस स्टेटमेंट को ना फाइनली एक बार रिपीट कर देते हैं बस। हाँ, और उस तो इसी का यूज करना है कि when two bodies are moving they are in motion independent to each other, two bodies are independently moving, then we can consider any one object to be at rest by adding or superimposing the opposite velocity of this object B
टू द वेलोसिटी ऑफ ए। आप बोलोगे ना, आपको लग रहा होगा कि स्टेटमेंट के ऊपर इतनी बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि यही स्टेटमेंट समझने में दिक्कत है आपके, रूट रूट प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं है। दो बॉडीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट अगर चल रही हूं और हमें इनमें से किसी एक को रेस्ट पर कंसीडर करना हो, तो उसका तरीका यह है कि जिसको आपको रेस्ट पे कंसीडर करना है उसके पास जितनी भी वेलोसिटी है उसका अपोजिट वेक्टर दूसरे वाले बॉडी में ले जा करके ऐड कर दो, दूसरी वाली बॉडी में उसको ले जा करके आप ऐड कर दो, हो जाएगा ये। और इस प्रोसेस के बाद जो वेलोसिटी आएगी उसको हम कह देते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है और ये उस सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इफेक्टिव वेलोसिटी है। बस इतना सा सेशन है, मतलब इतना सा एक बैकअप कंसेप्ट है। और सेम विथ एक्सेलरेशन है ना, सेम विथ एक्सेलरेशन, सेम विथ एक्सेलरेशन। तो अब आप चलो क्वेश्चंस में दिखाता हूं आपको क्या होगा। मतलब एक तरीके से आप अपने माइंड में यह भी बिठाओ कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नेहल बस एक मिनट बच्चा, एक मिनट, मैं पहला क्वेश्चन ही वही लूंगा, पहला क्वेश्चन ही मेरा वही होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही वही होगा जो आप कह रहे हो ना। आप टेंशन ना लो, मैं मुझे पता है क्या क्या करना है। मैं अगर और कुछ डाउट्स अगर रह गएंगे तो वो मैं उसमें करा दूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर वन ले रहा हूं ये आपके रिलेटिव वाली असाइनमेंट का, ठीक है, रिलेटिव असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको असाइनमेंट का, मैं अभी भी एग्जैक्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ असाइनमेंट का जो 4th क्वेश्चन है उसका सिमिलर क्वेश्चन मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं और इनके बीच में एक सेपरेशन है यहां पर एल का मान लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी के पास एक वेलोसिटी है वी टू की, मैं सिंबल्स में ही करूंगा, लेकिन अब आप ये मत कहना कि न्यूमेरिकल वैल्यू में करके दिखाइए। और एक वी वन है, वी टू और वी वन ये इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड टाइम मतलब कब होगा वो चीज। हालांकि क्लास में भी किया हुआ है मैंने क्वेश्चन, बट क्योंकि काफी लोगों की डिमांड ये है कि इसको सर रिलेटिव मोशन से करवा दिया जाए, तो मैंने आज इसीलिए इसको पहला प्रॉब्लम उठाया है। मैं अपनी इस स्टेटमेंट को बार बार यूज करूंगा कि जब भी दो बॉडीज इंडिपेंडेंटली चलेंगी हम लोग उसमें से किसी एक को रेस्ट पे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप सुपर इम्पोज करो उसकी वेलोसिटी का अपोजिट। कहने का मतलब क्या है, ए और बी में से किसी एक को रेस्ट पे कंसीडर किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में या तो मैं ए को रेस्ट पे कंसीडर कर सकता हूं या फिर बी को रेस्ट पे कंसीडर कर सकता हूं। तो मैं प्रेफर क्या करता हूं, देखो स्टेटमेंट सुनना, मैं बी को कंसीडर कर रहा हूं कि ये रेस्ट पे है, Considering at rest. But ये चीज कब हो पाएगी, आप रेस्ट पे आप ऐसे ही कंसिडर नहीं कर सकते, आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर बिना कुछ किए कंसिडर थोड़ी कर लोगे आप, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट बी को अगर आप रेस्ट पे कंसिडर करना चाहते हो तो जिस इस मूविंग ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका अपोजिट वेक्टर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में ले जाकर के ऐड करो। यानी कि इस तरफ v1 तो है ही, इसके साथ हमने b को रेस्ट पे कंसीडर किया है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v2 है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड हुआ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में v2 हम उठा करके यहां पर ऐड कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ऐड करने के बाद अब आपका b कंसीडर हो गया रेस्ट पे, नाउ b इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। अब आप इसे v1 और v2 में रिजल्टेंट लाओ, V1, V2 का रिजल्टेंट, ऑब्वियसली वो पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना, मतलब इसको V इफेक्टिव कह सकते हो।
और इसको वी इफेक्टिव कह दो या ये रिलेटिव वेलोसिटी भी कही जाएगी, ये जो आंसर आएगा इसी को आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू बी, इसको ये भी कह सकते हो। तो अब प्रॉब्लम में क्या हुआ ना, नाउ अब हमारे प्रॉब्लम में बी रेस्ट पे कंसीडर कर लिया गया, ये मान लिया गया कि बी नहीं चलेगा, कंसीडर्ड एट रेस्ट। प्रणय जी नहीं उससे नहीं होगा बच्चा, क्यों कंफ्यूज कर रहा हो, देखो एक बार सुन लो उसके बाद पूछ लेना डाउट, एक बार पूछ लेना। हाँ जी मतलब ट्रायंगल लॉ यूज करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, रिजल्टेंट के लिए तो आपके पास कोई भी लॉ है, लेकिन मेरी बात तो सुनो, बी को जब आप रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हो ना, बी को रेस्ट पे कंसीडर करने के बाद ऑब्जेक्ट ए की ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी है, या फिर आप ये कह सकते हो, हाँ या फिर आप ये कह सकते हो कि दिस इज पाथ ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनो आप, क्योंकि आप लोग के कंफ्यूजन माइंड में इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर के है। थ्योरी पार्ट में ज्यादा नहीं है, थ्योरी पार्ट सिंपल सा ये कहता है कि दो इंडिपेंडेंट बॉडीज मूव करेंगी तो किसी एक बॉडी की वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर दूसरे वाले में ऐड कर दो तो एक रेस्ट पे कंसीडर कर दिया जाएगा। ये कंसीडर कर सकते हो कि मान सकते हो कि वो रेस्ट पे हो गया। इन फ्रेम ऑफ का मतलब उसके रिलेटिव, इन फ्रेम ऑफ बी का मतलब, इन फ्रेम ऑफ बी का मतलब जिसको रेस्ट पे कंसीडर किया है, बी कंसीडर्ड एट रेस्ट है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकली, इसी को साइंटिफिकली कहा जाता है इन फ्रेम ऑफ बी। कभी भी ऐसा अगर लैंग्वेज देख लो कि इन फ्रेम ऑफ बी, तो इसका मतलब बी को आप रेस्ट पे कंसीडर करना चाहते हो, और रेस्ट पे कंसीडर करने के लिए, एक बॉडी को रेस्ट पे कंसीडर करने के लिए उसकी वेलोसिटी का अपोजिट दूसरे बॉडी में ऐड करना पड़ेगा। सो अब बी रेस्ट पे है, एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है, कंसीडर करने का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में वो रेस्ट पे नहीं है, मान लिया गया है कि ये रेस्ट पे है, और उसको मानने के बाद ऑब्जेक्ट ए इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ए इस लाइन के ऊपर चलेगा, ऑब्जेक्ट ए इस लाइन के ऊपर चलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी उसकी, अगर एक ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चल रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना चाहिए आपको, एक लाइन पर कोई चीज चल रही है और एक पॉइंट रुका हुआ है, ये स्टेशनरी है, कंसीडर्ड एट रेस्ट है, तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी इसकी, ऑब्वियसली क्या करना चाहिए इसमें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और जो ये परपेंडिकुलर होगा यही इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस होगी। कैसे निकलेगा ये, तो ये भी तरीका है ना भाई, सब कुछ करने के बाद आंसर भी तो चाहिए आपको, तो ये ऐसे आएगा, यहां पर अगर हम एंगल, यहां वाला एंगल को थीटा मान लेते हैं, अगर सपोज कर ले कि ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली इधर 90 माइनस थीटा एंड देन फिर ये एंगल थीटा, तो ये जो वेलोसिटी वाला पैरेललोग्राम बन रहा है यहां पर, ये जो वेलोसिटी वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, इस वेलोसिटी वाले पैरेललोग्राम से आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी वाले से टेन थीटा की वैल्यू, दिस इज वी टू डिवाइडेड बाई वी वन, और मेरे हिसाब से इसमें आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, साइन ऑफ थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल विल बी वी टू डिवाइडेड बाय दिस लेंथ डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस पार्ट विच इज इफेक्टिव वेलोसिटी, और वो पाइथागोरस थ्योरम से रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, और कॉस थीटा भी निकाल सकते हो ऑब्वियसली इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू, वी टू बाय रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये हो सकता है। और फिर ये वाला जो ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, क्योंकि इसमें ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की ये लेंथ एल दे रखी है, तो अगर ये लेंथ एल है, अच्छा कॉस वाले में वी वन होगा, हाँ कॉस वाले में वी वन होगा, सॉरी कॉस वाले में वी वन होगा, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ए, यहां से आप डी मिनिमम निकाल सकते हो, इस पॉइंट को मैं कोई ए डैश का नाम दे देता हूं, ए डैश का,
तो यहां पर ये वाला ट्रायंगल ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी ए डैश में राइट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर थीटा एंगल बन गया। तो डी मिनिमम निकाल लो इसमें से कितना आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, जो डी मिनिमम आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉलो करने के बाद वो आएगा एल इंटू कॉस थीटा, चेक कर लेना। और कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये वी वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर होगा। अब इन्होंने पूछा है टाइम, टाइम कब होगा ये चीज। तो ए वाले ने कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया है इस सिचुएशन में, जब आपने बी को रेस्ट पर मान लिया है, कंसिडर कर लिया है कि बी रेस्ट पे है। तो क्या अब एक बात ये भी सुनना, बी को रेस्ट पे कंसिडर करने के बाद क्या मानेंगे कि ए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा है या फिर ए अपनी इफेक्टिव वेलोसिटी के साइड पे जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन मान रहे हो उसका? इफेक्टिव ही लेंगे, जब आपने इसको बी को रेस्ट पे कंसिडर कर दिया फिर तो आपको यहां पर इफेक्टिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो इफेक्टिव वेलोसिटी में वो ए से ए डैश तक आया है, पॉइंट ए पर था और वहां से चलता हुआ, पॉइंट ए से चलते हुए ए डैश तक गए, ए से ए डैश तक। तो हम लोगों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो ए से ए डैश तक का डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वेलोसिटी। अब सब कुछ इफेक्टिव वेलोसिटी से होगा, सब कुछ। एक बॉडी को रेस्ट पर मान लो और दूसरे वाले की जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो होगा। अब ए ए डैश कितना है ना, तो ये डिस्टेंस भी आप ट्रिग्नोमेट्री से निकालोगे। ए ए डैश डिस्टेंस जो होगी वो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से एल साइन थीटा होगी और डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वेलोसिटी जो कि पाइथागोरस थ्योरम से रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें, वी टू अपॉन अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करा जा सकता है बाय द रिलेटिव। अक्षांश बता रहे बच्चा एक एक करके बताएंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा उसका थ्योरी पार्ट टच करेंगे और फिर बताएंगे। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट टच करने के बाद उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो फिर ये परमानेंट चाहिए हमें। अब बार 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 ये डिस्कशन नहीं हूं ना, बार बार ये डाउट आएगा तो दिक्कत है फिर। चलिए अब एक क्वेश्चन समझो मैं, है ना, दिक्कत क्या हो रही है हम लोग को ना। आज जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को अगर आप बहुत ही केयरफुली यूज करना सीख जाओ, केयरफुली यूज करना सीख जाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ये कोई प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म की अपनी एक वेलोसिटी है वी पी, और इस पर्सन ने यहां से एक बॉल थ्रो की। आयुष विष्णु यहाँ बच्चा दो चार एग्जाम्पल देखो तो अभी तुमको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ऐसा नहीं है। इस बॉल को थ्रो किया गया और इस बॉल की वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो वी नॉट है, लेकिन ये गिवन है कि दिस वी नॉट इज इन फ्रेम ऑफ, इसको पर्सन को बी नाम दे देते हैं, पर्सन जो है वो बी, इन फ्रेम ऑफ पर्सन बी, मतलब इस बी के फ्रेम में है। अब आप, अभी किसी ने पूछा था कि सर इसका क्या मतलब होता है, इन फ्रेम ऑफ बी का क्या मतलब है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। इन फ्रेम ऑफ बी का मतलब है कि आपने बी को रेस्ट पर कंसीडर करा हुआ है। इन फ्रेम ऑफ बी का मतलब कि आपने बी को रेस्ट पर कंसीडर किया हुआ है, ये मतलब होता है इन फ्रेम ऑफ बी का। अब आप बताओ क्या ये बी वाकई रेस्ट पे है, क्या ये बी वाकई रेस्ट पे है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो क्या ये वाकई रेस्ट पे है? नहीं। तो जब ये चीज कही गई है ना, इसका मतलब सुनो, अब आपको क्लियर आंसर मिलने वाला है। क्या ये वी नॉट इस बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी है? जब ये कहा जा रहा है कि वी नॉट इज इन फ्रेम ऑफ बी, इसका मतलब बी को स्टेशनरी कंसिडर करने के बाद, बी को स्टेशनरी कंसिडर करने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी वी नॉट है, एक्चुअल नहीं है वो। आप सुनिए, हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस बॉल की
वेलोसिटी को हम वी बी मानते हैं, सपोज करते हैं कि बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी वी बी है एक्चुअल में, और जो प्लेटफॉर्म है, सीधा सा रूल है, दो ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट चलने चाहिए, तो एक बॉल चलेगी, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी वीपी है ना। और प्लेटफॉर्म का मतलब वो बी वाला पर्सन, क्योंकि पर्सन बी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, पर्सन मतलब प्लेटफॉर्म। तो इसको रेस्ट पर कैसे कंसिडर करोगे, इसको रेस्ट पे कैसे कंसिडर करोगे, आप खुद समझो, आपको खुद सबसे चीजें समझ में आने लगेंगी। अब इन फ्रेम ऑफ बी का मतलब, नाउ यू हैव टू कंसिडर बी एट रेस्ट। और मैंने अभी आपको बताया कि जिसको आपको रेस्ट पर कंसीडर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि प्लेटफॉर्म रेस्ट पे कंसीडर किया जाए, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसका अपोजिट बॉल में ऐड करो, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर वी बी हुई, ये हुआ वी बी। हम प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर यहां डालेंगे, अपोजिट वेक्टर, तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर यहां ले जाओ, सुपर इंपोज करो। जैसे ही आपने प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का अपोजिट यहां सुपर इंपोज किया, ये मान लिया जाएगा कि वो जो प्लेटफॉर्म या जो पर्सन बी है रेस्ट पर है, कंसीडर्ड एट रेस्ट है, एंड दैट मींस कि नाउ इन फ्रेम ऑफ बी हो गया, ये चीज इन फ्रेम ऑफ बी हो गई। तो यहां पर इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हुई, इन दो वेक्टर को देख करके क्या कहोगे, क्या हुआ इफेक्टिव वेलोसिटी यहां पर, ये जो इफेक्टिव वेलोसिटी है अगर वो पूछा जाए क्या हुआ, तो एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हुई, v ऑफ बॉल माइनस v ऑफ प्लेटफॉर्म, यही चीज कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ बॉल इन फ्रेम ऑफ b, यही चीज कहलाएगी बॉल की वेलोसिटी b के फ्रेम में, और इसी को आपको v नॉट दिया जा रहा है, यही चीज इक्वल टू v नॉट है, दिस इज इक्वल टू v नॉट, एंड दैट मींस कि बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी, बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी V नॉट प्लस VP है। तो उस मेरा कहने का मतलब है कि देखो, पांच छह तरीके, दस तरीके आप जितने मर्जी चाहो उतने मर्जी बना सकते हो, बट क्यों नहीं एक कंसेप्ट को पकड़ करके बैठते हो और आप उसमें लगातार न्यूमेरिकल लगाते रहो, खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें, खुद ही अपने आप समझ जाओगे कि क्या करना चाहिए मेरे को। सो इसका मतलब इस बॉल की रियल वेलोसिटी यानी एक्चुअल वेलोसिटी, अब एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब, एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब जिसको मैं एक्चुअल वेलोसिटी कह रहा हूं उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि अगर कोई ग्राउंड से देख रहा होगा सब कुछ, अगर कोई पर्सन यहां ग्राउंड से देखे है ना, तो उसके हिसाब से क्या वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब ग्राउंड के फ्रेम में, तो जो ग्राउंड पर पर्सन खड़ा है उसके हिसाब से कहा जाएगा कि दिस बॉल हैज अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट प्लस वीपी, लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ पर्सन कह रहा है कि नहीं, इस बॉल की वेलोसिटी तो v नॉट है, क्योंकि ये अपने आप को रेस्ट पर मान करके चलता है। हाँ बताओ, ये प्लेटफॉर्म पे ही तो खड़ा है ना b, वे तो आप कार में जाओगे तो कार की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी सेम ही मानी जाएगी। अब एक और चीज समझो, एक और एग्जांपल बस, इसके बाद आपके एक दो डाउट पे आ रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर थ्री पर। हाँ थर्ड प्रॉब्लम देखो, तीसरे प्रॉब्लम में कंफ्यूजन नहीं बच्चा, कंफ्यूजन क्या है सही, ये कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, एक बार फिर हम प्लेटफॉर्म या कुछ और मानते हैं ना, प्लेटफॉर्म या कार जो भी मानना चाहो है ना, कुछ है प्लेटफॉर्म में मान लेते हैं, इसकी अपनी एक वेलोसिटी है वीपी। मैं अभी एक्सेलरेशन का यूज ही नहीं कर रहा, मैं कोई एक्सेलरेशन यूज नहीं कर रहा, और यहां से हमने क्या किया, एक फिर से एक बॉल को यू स्पीड से थ्रो किया जा रहा है और ये एंगल उसका थीटा है। अभी कुछ लोगों ने डिमांड करी है फिर से बता दीजिए ना, तो वो जरा फिर से नहीं बताएंगे, मैं फिर से एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। और ये जो u है ये इन फ्रेम ऑफ प्लेटफॉर्म, इन फ्रेम ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन है आपको, ये एक गिवन इंफॉर्मेशन है, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा मैं, ये गिवन इंफॉर्म।
क्वेश्चन में दिया, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मैं। तो जब भी ये चीज दी जाती है ना कि दिस बॉल हैज अ वेलोसिटी यू इन फ्रेम ऑफ प्लेटफॉर्म, तो मतलब ये हुआ कि ये बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, मतलब ये है कि ये इस बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं हुई। ये वेलोसिटी इस बॉल की तब हुई जब आपने ये माना है कि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, जो कि एक्चुअल में रेस्ट पर नहीं है। जब ये किसी क्वेश्चन में इस तरीके से तुमको दिखे तो समझ जाना कि यार ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है इसकी, मतलब ये ग्राउंड वाली वेलोसिटी नहीं है। तो क्या करेंगे जानते हो, सुनो अब, हम लोग ये मानेंगे कि ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी वी एट एंगल अल्फा है, एक्चुअल एक्चुअल वेलोसिटी हमने उसकी वी मान ली। हम ये मान रहे कि एक्चुअल वेलोसिटी वी है, सुन लो ध्यान से भी, तेजस्वी बच्चा आप भी, और ये एक और किसी बच्चे का मैसेज था, अल्फा ये भी एक्चुअल है, ये माना है। क्यों मानना पड़ रहा है आपको? इसलिए मानना पड़ रहा है कि क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दी गई है वो तो प्लेटफॉर्म को रेस्ट पर कंसिडर करके दी गई है। तो किसी को रेस्ट पर मान करके अगर आप वेलोसिटी बता रहे हो तो ये इस ऑब्जेक्ट की रियल वेलोसिटी तो है नहीं, तो मुझे इसके रियल वेलोसिटी को इमेजिन करना पड़ रहा है कि चलो इसको वी मान लेंगे, लेट है, मतलब ये सब कुछ आप लेट कर रहे हो। अब अपना कंसेप्ट फॉलो करो। अब अपना कंसेप्ट कैसे फॉलो करोगी कि बॉल की, ठीक है ना, ये अपना हो गया, और प्लेटफॉर्म, एक बार जो अभी कंसेप्ट बोला है उस कंसेप्ट को फिर से समझो। मैंने क्या बोला था अभी, मुझे यहां पर क्या करना चाहिए ताकि प्लेटफॉर्म को रेस्ट पर माना जा सके? प्लेटफॉर्म को रेस्ट पर कंसिडर करने के लिए मैं क्या करूं अब? अगर मुझे प्लेटफॉर्म को रेस्ट पर मानना है, कंसिडर्ड एट रेस्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए ये आप बताओ। कंसिडर्ड एट रेस्ट में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसकी वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर, इसकी वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर यहां पर ऐड करना पड़ेगा, सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। तो वो करेंगे कैसे करेंगे, देखो वो जो बॉल है उसके पास वेलोसिटी वी है, कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर। क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म को रेस्ट पर कंसिडर करना है तो जो भी उसकी वेलोसिटी है उसको अपोजिट साइड ले जा करके बॉल में ऐड कर दूं, अपोजिट साइड ले जा करके, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड ले जाके ऐड करूं। और अब इन दो का रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे आएगा वो देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैसे लाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट के लिए मैं कंपोनेंट्स का यूज करूंगा। रिजल्टेंट के लिए, अब आप ये कहोगे पैरेललोग्राम क्यों नहीं कर रहे, तो यहां पर पैरेललोग्राम की नीड नहीं है मेरे को, तो मैं यहां पर कंपोनेंट मेथड फॉलो करने जा रहा हूं। इस वी के कंपोनेंट होंगे इस तरफ वी कॉस अल्फा, और उसमें अपोजिट साइड पर वीपी है तो माइनस वीपी हो गया, और वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखा जाएगा वी साइन अल्फा। फिर से सुनना, इन दोनों का रिजल्टेंट करना है, लेकिन रिजल्टेंट मैंने कंपोनेंट मेथड से किया है। इस वी का एक्स वाला कंपोनेंट वी कॉस अल्फा और वाई कंपोनेंट वी साइन अल्फा। वी कॉस अल्फा में ये माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट साइड पर है। अब आप बताओ, अब जो वेलोसिटी आ रही है ये क्या कहलाएगी? ये वेलोसिटी अब क्या कहलाएगी? तुमने एक बॉडी को रेस्ट पर कंसिडर कर लिया, उसके वेलोसिटी का अपोजिट यहां सुपर इम्पोज कर दिया, तो अब जो बचा, अब ये क्या बचा हमारे पास? रिलेटिव वेलोसिटी बच रहा है कि एक्चुअल वेलोसिटी बच रहा है? फिर से अब ये कौन सी वेलोसिटी बची है हमारे पास? जब हमने प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का अपोजिट उठा करके यहां पर ऐड कर दिया तो अब ये क्या बचा? अब ये वेलोसिटी किसके फ्रेम में बची? लवण्य अग्रवाल जी क्या हो गया तुम लोग को भाई? ये जब यहां पर एक्चुअल पहले से था, उसके अंदर मैंने एक और वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर दी, फिर भी ये एक्चुअल हुआ? मतलब यहां भी एक्चुअल और ये काम करने के बाद भी एक्चुअल? अरे यार ये रिलेटिव हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। अब
ये जो आप देख रहे हो ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी अब, मतलब कि वी साइन अल्फा रिलेटिव वेलोसिटी है, वी कॉस अल्फा माइनस यूपी ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब अब ये सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कहलाएगा, रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। समझ गए, ये कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और इसी के बारे में यू दे रखा है कि यार विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो यू और थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इसका मतलब ये हुआ कि इस यू के कंपोनेंट जब करोगे यू कॉस थीटा और इधर की तरफ यू साइन थीटा, क्या मतलब हुआ जानते हो? कि ये भी तो प्लेटफॉर्म के ही फ्रेम में है, मतलब ये कंपोनेंट्स भी तो प्लेटफॉर्म के फ्रेम में है और ये कंपोनेंट्स भी प्लेटफॉर्म के फ्रेम में है, यहां पर जो लिखा है कंपोनेंट्स ये भी प्लेटफॉर्म के फ्रेम में है और यहां पर जो कंपोनेंट है ये भी प्लेटफॉर्म के फ्रेम में है, तो इनमें और इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, इनमें और इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, इन दो कंपोनेंट्स में और इन दो कंपोनेंट्स में कैसा रिलेशन होना चाहिए? तो रिलेशन ये होना चाहिए कि यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी कॉस अल्फा माइनस वीपी और यू साइन थीटा इक्वल टू वी साइन अल्फा। अब मैं असाइनमेंट के एक दो क्वेश्चंस लूंगा, अब मैं असाइनमेंट का एक आध क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, देखो विनायक अभी रुको बच्चा, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा सा रुकिए, जब एक दो एग्जांपल और हो जाएंगे तब पूछिएगा, मैं डाउट लूंगा ऐसा नहीं है, बट अभी डाउट अभी बीच में हम इंटरप्ट नहीं करेंगे। अभी आपका ना यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो यहां पर एक प्रॉब्लम नंबर 3 है असाइनमेंट का, प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें कह रहे हैं कि मेन आर रनिंग इन अ लाइन अलोंग अ रोड विथ वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनदर, है ना, तो परेड है, परेड टाइप की है, ऐसे करके 9 किलोमीटर पर आवर से एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी चल रहा है, ठीक है, सो मेन आर रनिंग विथ 9 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, और इन सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 20 मीटर का डिस्टेंस, यहां पर भी एक डिस्टेंस है 20 मीटर का डिस्टेंस। इसके बाद कह रहे हैं साइक्लिस्ट आर ऑल्सो राइडिंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन एट 18 किलोमीटर पर आवर एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 30 मीटर, तो साइक्लिस्ट भी चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां पर एक साइक्लिस्ट भी मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन जो अगला वाला साइक्लिस्ट है वो थोड़ा सा 30 मीटर पीछे है उससे, 30 मीटर, सो 30 मीटर की गैप पर साइकिल रेस हो रही है, 30 मीटर के गैप पर, और इनकी एक वेलोसिटी है, साइक्लिस्ट की भी जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आर की है, ये सारे साइक्लिस्ट 18 किलोमीटर पर आर से चल रहे हैं। इसके बाद कह रहे, ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं द स्पीड विथ विच एन ऑब्जर्वर मस्ट ट्रेवल अलोंग द रोड सो दैट वेन एवर ही मीट्स अ रनर ही ऑल्सो मीट्स अ साइक्लिस्ट, मतलब देखिए ये तो हो गए मैन और ये साइकिल वाले, अब इधर से हम मानते हैं कि कोई ऑब्जर्वर आ रहा है, इस साइड से दूसरे साइड से कोई ऑब्जर्वर आ रहा है, ठीक है, इस साइड से कोई एक ऑब्जर्वर आ रहा है, तो वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि उस ऑब्जर्वर में क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि जब ये इस आदमी से मिले तब ये साइकिल वाले से भी मिले, क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ ले रहे, इस ऑब्जर्वर की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट कि जब जब ये इस इन आदमियों से मिले तब तब ये साइकिल वालों से भी मिले, हाँ अलोंग द रोड है बच्चे, हाँ ना निहल, हाँ ठीक है निहल, ये डाउट है कि वो ऑब्जर्वर अपोजिट साइड से आ रहा है ये तो हमको पता नहीं है, ऑब्जर्वर विनायक रुक जो बता रहे हैं भाई,
ऑब्जर्वर अपोजिट साइड से आ रहा है ये हमें नहीं पता है, यही डाउट है ना। हाँ ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन से भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो कोई एक केस मानोगे, सेम डायरेक्शन वाला केस मान लो या अपोजिट डायरेक्शन वाला केस मान लो। मैं अपोजिट डायरेक्शन मान के सॉल्व करूंगा। ये सब क्या होता है, जब दो डायरेक्शंस का कंफ्यूजन हो कि लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो उस कंफ्यूजन को बचने का तरीका क्या है कि कोई एक डायरेक्शन मान करके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। अगर आंसर प्लस में आया तो वो डायरेक्शन जो मैंने माना है वो सही है, मुझे नहीं पता कि ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, मैंने इसको लेफ्ट एज्यूम किया है, माना है इसको लेफ्ट। अगर मेरा आंसर माइनस में आ गया तो मेरा एजम्पशन गलत है, और अगर प्लस में आ गया तो मेरा एजम्पशन सही है। आप राइट मान करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब करोगे कैसे, ध्यान से सुनो, अब करोगे कैसे। देखिए अब आप इस स्टेटमेंट को सुनो, आप रिलेटिव वेलोसिटी के स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझो जो अभी मैंने कहा। हम एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि ये ऑब्जर्वर जो है कंसीडर्ड एट रेस्ट हो जाए। क्या करना चाहिए बताओ, अभी अगर आपने मेरा स्टेटमेंट समझ गए हो, समझाओ, तो क्या कर दिया जाए ताकि इस ऑब्जर्वर को मैं रेस्ट पे कंसीडर कर पाऊं। मान लेते हैं कि इस ऑब्जर्वर में वीओ वेलोसिटी है, तो मैं अब क्या करूं ताकि इसको रेस्ट पर मान सकूं। मैं यही स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं, प्रॉब्लम्स बदलती चली जाएंगी, सॉल्यूशन नहीं बदलना है, ठीक है। क्या बदलेगा इससे जानते हो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को नहीं, बच्चा अक्षांश गलत बोल रहे हो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सुपर इम्पोज नहीं करनी है, इसकी वेलोसिटी का अपोजिट वाला सुपर इम्पोज करना है। ये नहीं, इसको नहीं ऐड करना है भाई, सुनो गलती ना करो। जिसको रेस्ट पर कंसिडर कर रहे हो ना, उसकी वेलोसिटी को ऐड करने के लिए नहीं कह रहा मैं, इसके वेलोसिटी को पहले रिवर्स करो और फिर ये इन दोनों में ऐड कर दो। हाँ तो अब बताओ, कि जो मैन है उनकी क्या वेलोसिटी लिखी जाएगी, बताओ क्या हो गई, मैन की वेलोसिटी कितनी हुई। अब मैं करूंगा नहीं, आप लोग देख के बताओ, ये वीओ रिवर्स होगा, राशि गुप्ता ध्यान से, वीओ इस तरफ है, रिवर्स होगा पहले तो राइट हो गया, और राइट होने के बाद जब इस नाइन में जाएगा तो वो एड हुआ ना, फिर तो ये 9 प्लस वीओ हो गया, 9 प्लस वीओ, 9 प्लस वीओ, ध्यान से सुनना। अच्छा और साइकिलिस्ट की क्या वेलोसिटी हुई, साइकिल वाले चल रहे थे 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आर से ये चल रहे थे, तो वो 18 प्लस वीओ हुआ, ध्यान से समझे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला आदमी इससे 20 मीटर पीछे है और अगली वाली साइकिल इससे 30 मीटर पीछे है, वो क्या कह रहे हैं कि मान लो ये और साइकिल एक साथ मिल गए, इनको क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि मैन और साइकिल इन दोनों की मुलाकात एक साथ हुई है इसमें, कि जब ये पर्सन यहां पहुंचेगा तो ये साइकिल भी यहां पहुंचेगी, तो फिर ये पीछे वाले के साथ भी होगा। बात समझ पा रहे हो, मान लो पहला वाला पर्सन और पहला वाला साइकिल ये दोनों ऑब्जर्वर तक आ गए, मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट साइकिल मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर तक पहुंच गए, तो अगला वाला पर्सन कितना टाइम लेगा उस ऑब्जर्वर तक जाने में। डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, बताओ, मान लीजिए पहला वाला पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन इस ऑब्जर्वर के पास आ चुका है, तो इसके पीछे वाला मैन कितना टाइम लेगा वहां तक जाने में, वो उसको और कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो आंसर बनेगा 20 / 9+V। अच्छा अब बताओ, ये साइकिल जब आदमी से मिल चुका है, ये वाला साइकिल इस ऑब्जर्वर से मिल गया, मतलब ये साइकिल इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच गया, तो इसके पीछे वाले साइकिल कितनी देर बाद आएगी। फर्स्ट साइकिल का पर्सन से मीटिंग हो गई, फर्स्ट साइकिल और पर्सन की मीटिंग हो चुकी है, तो जो पीछे वाली साइकिल है वो कितनी देर बाद उस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, है ना, वो आएगी 30 /
18 प्लस वी, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों टाइम बराबर नहीं होने चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्योंकि क्वेश्चन ही तो कह रहा है कि जब ये पर्सन मिलेगा तो ये दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है कि क्या चीज क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है और क्या चीज हमारा लॉजिक है। अब आप देखो इससे वी नॉट कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? इस हमने ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माना था, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वी नॉट की क्या वैल्यू बन रही। और आप बताना मुझे कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, यानी कि मेरा एजम्पशन सही है कि गलत है। भैया यूनिट और यूनिट्स की प्रॉब्लम तो हो सकती है ना, मीटर किलोमीटर में है तो वो प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन यहां पर नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। वैसे ही यूनिट्स का तो ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा मीटर में है, कहाँ किलोमीटर में है, वो तो कंसेप्ट है। लेकिन मैं रिलेटिव का जो लॉजिक तुमको समझा रहा हूँ ना, ये लॉजिक समझ जाओ, प्रॉब्लम्स में कभी मतलब न्यूमेरिकल्स करते वक्त प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे अगर आप रिलेटिव का मतलब समझ गए तो। अगर रिलेटिव का मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज फंस जाओगे। आप अपना कंसेप्ट लगाओगे फंस जाओगे। और यही गलती आप लोग कर रहे हो बच्चा, आप लोग गलतियां यही कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग कि प्रेशराइज होकर के, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो फ्रस्ट्रेट होकर प्रेशराइज हो गए, उल्टा सीधा तरीका हम लोगों ने ढूंढ लिया और उसमें क्या हो रहा है कि कंसेप्ट बिगड़ रहे हैं। बताओ भैया सर, इस सर जो ये क्वेश्चन है मैंने साइक्लिस्ट वाला, सर आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन एक ये पूछना था कि हमने डिस्टेंस मीटर में लिया और स्पीड किलोमीटर पर आर में, तब भी अच्छा बच्चा हमारा आंसर वो सही आ रहा हाँ है। वो इसलिए आ रहा है कि इक्वेट किया गया, रेशियो को इक्वेट किया गया है, मतलब एक तरीके से इसे 9 प्लस वी को उधर ले जाओ और यस थर्टी सर, को। तो आप यूनिट लिख लो ना, ऊपर मीटर है तो ये 30 भी तो मीटर में है और यस नीचे 9 प्लस वी किलोमीटर पर आवर में है, बगल में ये 18 प्लस वी भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, किलोमीटर आवर किलोमीटर, इसलिए आपका आंसर आ जा रहा ओके okay, सर। तो सर है। मतलब मतलब कोई भी एक, जैसे अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के जितने भी हम ले रहे क्वांटिटीज वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, ये नेसेसरी होता है। हाँ, अब देखो अच्छा यूनिट डायमेंशन पे थोड़ा सा आप, मैं बता दूँ अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा, जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा कि थोड़ा आप करो अपना एफर्ट लगाओ यार, लर्निंग कुछ अपने आप करो, हम बताएंगे फिर वो याद नहीं होगा, है ना? आपके मन में जो डाउट है ना कि यार अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो करके देख लो उसे, जैसे डाउट आ जाए ना कि यार क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ कर लो, अपने आप समझ में आएगा कि होगा कि नहीं होगा, टेंशन ओके सर, ओके है ना, जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि मेरे को आता नहीं है, बट हाँ तुम बताओ विनय। सर। पिछले वाले एग्जाम्पल में उससे उस वाले जो आपने बताया था कॉन्सेप्ट, मूविंग ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर वाले से नहीं कर सकते हैं? अब यार हम तो अब आज उससे भी कर सकते हो, अब एक साथ दो दो मेथड नहीं चल पाएंगे ना। नहीं लेकिन सर मतलब वो सही है, मतलब गलत तो नहीं है ना सर वो? गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है, हमने तो आसपास एक तरीका अपना बदला है, हो सकता हमने कहा हो सकता उसमें दिक्कत आई हो तो तरीका बदल देते हैं यार, इस होता समझ में आ जाए, अच्छा हमने ओके सर, हमने सिर्फ थैंक यू सर। जस्ट मेथड चेंज किया और कुछ नहीं किया। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 20 पर, प्रॉब्लम नंबर 20 पर केयरफुल। अच्छा एक मिनट, प्रॉब्लम नंबर 20 से पहले है ना, प्रॉब्लम नंबर 20 से पहले देखो क्वेश्चन 11, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 11 है, प्रॉब्लम नंबर 11। तो प्रॉब्लम नंबर 11 जो है असाइनमेंट में वो ये कहता है, टू अ मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, टू अ मैन रनिंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, द रेन ड्रॉप अपियर टू बी फॉलिंग, रेन ड्रॉप अपियर टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। और उसके आगे लिखा है, इफ द रेन ड्रॉप्स आर एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सुनिएगा, रेन ड्रॉप्स एक्चुअल में वर्टिकल हैं, एक्चुअल दे आर वर्टिकल, मान लो उनकी एक्चुअल वेलोसिटी वी आर है, ठीक है। तो अब सुनो,
यही कंसेप्ट, पर्सन को रेस्ट पर मानेंगे हम, कंसिडर करेंगे कि इस पर्सन को रेस्ट पर है, लेकिन इसके लिए पे करना पड़ता है ना, मतलब ऐसे ही थोड़ी कंसिडर कर सकते हो किसी को भी रेस्ट पे। तो क्या करना चाहिए, देखो ये रेन वाली वेलोसिटी तो हो गई, पर्सन को रेस्ट पर कंसिडर करने के लिए ये जो 5 राइट साइड है, पहले इसको रिवर्स करो यानी कि लेफ्ट करो, और वो यहां पर सुपर इम्पोज कर दो, यानी इस तरफ 5 सुपर इम्पोज कर दीजिए। जैसे ही आप सुपर इम्पोज करोगे ना, वैसे ही आपको जो नई वेलोसिटी मिलेगी, जिसको आप इफेक्टिव वेलोसिटी कहोगे, जिसको हम इफेक्टिव वेलोसिटी कहेंगे, यही चीज कहलाएगी इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ रेन, या इसी को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन इन फ्रेम ऑफ दैट मैन। दोनों का मतलब एक ही है, इफेक्टिव वेलोसिटी कह दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी कह दीजिए, नाम कुछ भी दो उसका, एक्चुअली नाम को लेकर के कंफ्यूजन है, रिलेटिव वेलोसिटी और इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ रेन इन फ्रेम ऑफ मैन, ये तीनों का मतलब एक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस आदमी, अब जिसको आपने रेस्ट पर मान लिया वो ऑब्जर्वर हो गया, जिसको रेस्ट पर कंसिडर कर लिया ये ऑब्जर्वर हो गया, तो इस ऑब्जर्वर की नजर में, यानी इस फ्रेम का मतलब इसके नजर में, फ्रेम ऑफ मैन का मतलब इसके, इसका जो नजरिया है, इसके अकॉर्डिंग, इसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग रेन की डायरेक्शन ये है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो कितने एंगल पर है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि टू अ मैन रनिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पर उसको रेन दिख रही है, क्वेश्चन में कहा गया 45 डिग्री एंगल। तो ये 45 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब इन दो वेक्टर में कैसा रिलेशन होगा, अगर ये 45 डिग्री बन रहा है तो इस 5 और इस VR में कैसा रिलेशन बनेगा, खुद सोच के देख लो 45 डिग्री एंगल कब बनेगा यहां पर। तो ये तो तभी हो सकता है जब ये 5 और ये VR बराबर हो, तो आंसर हो गया बस खत्म, इसका मतलब VR की वैल्यू 5 है, यही क्वेश्चन पूछा है कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। इतना ही, अदिति वॉइस क्रैक नहीं कर रही बच्चा, कुछ हो सकता है नेट का दिक्कत बीच में आ गया हो। ठीक है, और प्रॉब्लम देखिए, इसके बाद है देखो, इसके बाद है 12th क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u फ्रॉम अ बलून डिसेंडिंग विथ वेलोसिटी v। समझो इस क्वेश्चन को, बलून की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v है, और उस बलून से एक बॉल फेंकी जाती है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बलून विथ वेलोसिटी u, ठीक है, द बॉल विल पास बाय द बलून आफ्टर अ टाइम, द बॉल विल पास आफ्टर अ टाइम, समझो क्या होगा आंसर, क्या करेंगे, क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, असाइनमेंट का 12th क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट ओपन रखना, बिकॉज क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं इसमें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u फ्रॉम द बलून व्हिच इज डिसेंडिंग विद वेलोसिटी v, द बॉल विल पास बाय द बलून आफ्टर अ टाइम ऑफ, क्या आंसर बनना चाहिए। ठीक है, बलून को तो सुनिए कितना तरीका आसान है, देखो अगर आप एक बार फिर लॉजिक समझो, यार एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि ये जो बलून है इसको कंसीडर कर लो रेस्ट पर, कंसीडर टू बी एट रेस्ट, बट मैं फिर कह रहा हूं फ्री में नहीं होगा ये। अब आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, बलून को हम रेस्ट पर मानना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बॉल की वेलोसिटी क्या लिखे हैं बताओ, उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे हो, क्या कर दें आप बॉल की वेलोसिटी, अपना आंसर दे दो। अभी इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूं कि जब दो बॉडीज मूव करें तो एक को आप रेस्ट पर कंसिडर कर सकते हो,
तो अब समझ में आ रहा है, इसका डाउनवर्ड वी पहले तो रिवर्स कर दे और रिवर्स करके यहाँ पर ऐड कर दो, यानी कुल मिलाकर के ये कितना हो गया u प्लस वी, बॉल की वेलोसिटी। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बलून रेस्ट पर आ गया, नाउ बलून इज एट रेस्ट, अब वो कहीं नहीं जाने वाला, अब वो बलून कभी नहीं कहीं नहीं जाने वाला, यानी कि अब ये रेस्ट पर है, तो ये बॉडी वापस कब आएगी, ये बॉडी ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और मैक्सिमम हाइट के बाद वापस आ जाएगी। तो अब टाइम कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट पे जा करके वापस आएगी तो टाइम कैसे निकालोगे इसका, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। जब वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v हो गई इनिशियल वेलोसिटी। ये तो रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u हो गया, टाइम टी हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी और इनटू टी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हाँ जी प्रणव, क्योंकि वो मेंशन नहीं किया ना उन्होंने, मेंशन नहीं किया इसलिए मैं मान रहा हूं। ठीक है, अब एक आउट ऑफ पैकेज प्रॉब्लम ले रहा हूं, आउट ऑफ पैकेज ध्यान से देखना, आउट ऑफ पैकेज प्रॉब्लम। ठीक, हाँ जी अथर्व, देखो आउट ऑफ पैकेज प्रॉब्लम ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको अच्छा ना लगे तो बताना। दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, उनके बीच में एक सेपरेशन है एच का, दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी उनके बीच में सेपरेशन एच का। ऑब्जेक्ट ए को वेलोसिटी दिया गया यहां पर वी वन का और ऑब्जेक्ट बी को किसी थीटा एंगल पर वेलोसिटी दिया गया वी बी का और ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है मतलब अगर वैसे बात करूं तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, दोनों के प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि ये कोलाइड कर जाए उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करें एयर में, द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड इन एयर, तो ये कब होगा, कंडीशंस क्या होंगी, ये दोनों एयर में कोलाइड कर जाएं इसकी क्या कंडीशन होगी, द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड इन एयर, कंडीशन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स टू कोलाइड इन एयर। ठीक है, प्रणव सही है, शुभी सही है। आप सुनो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं ए को रेस्ट पर मान के चलूंगा, मैं ये मान लेता हूं ये रेस्ट पर। अब बी के साथ क्या करें, क्या करें बी के साथ, बी के साथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वी बी कॉस थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी है वी बी साइन थीटा। रेस्ट पर माना है ना, तो कुछ और तो करोगे, इससे काम नहीं चलने वाला, क्या करें इसमें, इसका वी ए राइट साइड है तो उसको पहले लेफ्ट करेंगे, राइट को लेफ्ट कर दे, और वो ऐड किस में करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट में कि वर्टिकल कंपोनेंट में, जो VA है उसको रिवर्स किया, रिवर्स करके ये हो गया, तो वो किसके साथ सुपर इम्पोज होगा, VB cos theta के साथ या फिर VB sin theta के साथ। तो हॉरिजेंटल वेक्टर को हॉरिजेंटल कंपोनेंट में ऐड करना होता है और वर्टिकल को वर्टिकल में ऐड करना होता है, तो VB cos theta में जब VA को रिवर्स करके ऐड करोगे तो एक्चुअल में ये माइनस V1 होगा, ये जो मैंने माइनस किया है ना, क्या किया जानते हो, क्योंकि VA राइट साइड है तो हम इसको लेफ्ट करेंगे और लेफ्ट साइड ले जाकर के जब ऐड करोगे तो वो सब्ट्रैक्शन मोड में चला जाएगा। ठीक, अब A तो रेस्ट पर आ गया और मैंने कहा था यही काम आपको एक्सेलरेशन में भी करना है, यही काम एक्सेलरेशन में करना है, कैसे करोगे एक्सेलरेशन में ये काम कैसे करोगे, जो ऑब्जेक्ट बी है उसके पास भी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट ए के पास भी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, तो रेस्ट पर कंसीडर करने के लिए एक्सेलरेशन भी आपको यही
एक्सेलरेशन में भी सेम स्टेप फॉलो करूं। ऑब्जेक्ट बी का एक्सेलरेशन कितना है? जी। अब तुमने जिसको रेस्ट पर माना है, जिसको रेस्ट पर माना है उसकी एक्सेलरेशन को पहले रिवर्स करो, तो डाउनवर्ड को रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा अपवर्ड, और वो यहां पर ले जा करके ऐड कर दूं, इसके साथ सुपर इंपोज करूं। फिर से सुनना, जो स्टेटमेंट वेलोसिटी में है वही स्टेटमेंट एक्सेलरेशन में भी है, कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है। मैंने ए को रेस्ट पर माना ना, तो जिसको रेस्ट पर माना है उसकी जो भी एक्सेलरेशन है पहले इसको रिवर्स किया जाए, तो डाउनवर्ड को रिवर्स किया हो गया अपवर्ड, और वो अपवर्ड वाला वेक्टर यहां पर मैं ऐड कर दूंगा ला करके। क्या बन जाएगा इससे टोटल एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? बी वाले की टोटल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी इसको करने के बाद? तो जीरो एक्सेलरेशन हो गया, जीरो एक्सेलरेशन। अब बी वाले में कोई एक्सेलरेशन नहीं बचा, उसका एक्सेलरेशन खत्म। यही रिलेटिव है बच्चा, इतना सीख गया तो यही रिलेटिव है। और अब देखो, अब प्रॉब्लम कितना हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गई। अब सिचुएशन, अब प्रॉब्लम सिंपल हो गई। कैसे? ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पर कंसीडर किया जा रहा है, तो ये बताओ बी किस तरफ चले ताकि ए से कोलाइड करे। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करने के लिए मुझे किस तरफ चलना चाहिए? इस बी वाले ऑब्जेक्ट को कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए ताकि ये इस ए से कोलाइड करे? ए नहीं चल रहा कहीं, सड़क पे एक खंभा है, पोल है, बिजली का पोल, इलेक्ट्रिकल पोल, वो स्टेशनरी होता है। आप चाहते हो कि उस जाके आपकी गाड़ी उस पोल से टकराए, तो आपको पोल के पास जाना पड़ेगा, पोल आपके पास नहीं आने वाला। तो अगर आप ए से कोलाइड करना चाहते हो ना, यही तो कंडीशन है कि कोलिजन कब होगा, तो तब होगा जब बी वाला ए की तरफ चले, क्योंकि ए तो चल नहीं रहा। तो बी वाला ए की तरफ कब चलेगा? जब उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जीरो हो कि नॉन जीरो हो। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो कि नॉन जीरो? अगर बी वाले को ए की तरफ जाना है, यानी कि वाई डायरेक्शन में जाना है, तो ये तो तब होगा जब ये फैक्टर जीरो हो जाए, इसको आपको जीरो करना पड़ेगा। सो कोलिजन तब होगा जब वी वन इक्वल टू वी बी कॉस थीटा हो। ये हमारी पहली कंडीशन आई, कंडीशन नंबर वन। हाँ हाँ प्रणव, बिल्कुल वो फंडामेंटल मेथड जो तुम बता रहे हो वो बिल्कुल बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड तो सबसे अच्छा होता है ना, बेसिक मेथड में इतना स्ट्रेस नहीं होता, इतनी सारी चीजें पढ़ने को नहीं होती, वो आइडियल अप्रोच है। ठीक है, हाँ अभी कैन बच्चा, तो यही रिलेटिव है यार, इसमें जानते हो यही है। अच्छा एक और चीज बची, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ यार, आंसर खत्म थोड़ी हुआ है। चलो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया ना, और ये हाइट यहां पर दे रखी है h, ये हाइट h दे रखी है यहां पर। अभी रुक जाओ, हाँ नेहल लगा सकते हैं। ये बताओ, अब कोई एक्सेलरेशन नहीं रहा, एक्सेलरेशन नहीं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना टाइम लगेगा b को a तक पहुंचने में? कितना टाइम लगेगा b को, कितना टाइम लगेगा a तक जाने के लिए? तो टाइम लगेगा, सुन लो, यहां से कंडीशन टू आएगी, टाइम लगेगा h डिवाइडेड बाय वी बी साइन थीटा। ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन भी है। एक और बात कही है, दो बातें समझो आप क्वेश्चन में, एक तो कोलिजन होना चाहिए और कोलिजन हवा में होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बी वाला ऑब्जेक्ट लैंड कर जाए और जमीन पर कोलिजन हो, मतलब ये ऊपर से आए और इसको ग्राउंड पे हिट करे, कोलिजन ग्राउंड पे हो, वो नहीं कह रहा आपसे, कोलिजन हवा में होना चाहिए। तो वो तब होगा जब टाइम ऑफ कोलिजन लेस हो टाइम ऑफ फ्लाइट से, टाइम ऑफ फ्लाइट से कम होना चाहिए। मतलब मान लो 4 सेकंड में इसका प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो रहा है और आपका कैलकुलेशन कहता है कि कोलिजन 12 सेकंड बाद होगी,
तो जब 4 सेकंड में प्रोजेक्टाइल ही पूरा हो गया और हमारा कैलकुलेशन कहता है मान लो कि 12 सेकंड लगेंगे, तो फिर ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हुई, एयर में कहाँ कोलाइड हुए हम? तो फिर एक कंडीशन ये भी होना चाहिए, हाँ जी प्रणव, कि एच अपॉन वी बी साइन थीटा लेस होना चाहिए या फिर इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल करेंगे तो ग्राउंड आ जाएगा, लेस होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट के। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्जेक्ट बी का कैसे निकालेंगे, तो वो तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टू वी बी साइन थीटा अपॉन जी। विनायक वो मेथड ना डिस्कस करो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मेथड्स स्टूडेंट को खुद अडॉप्ट करना पड़ता है, टीचर का बताया हुआ मेथड जो है ना वो नहीं हो पाएगा। ये हम फिर कह रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस करो, मैंने अपनी तरफ से तो आज पहले से थोड़ा सा इजी वे भी निकाला है कि आप एक रिलेटिव को सिंपल वे में समझो क्या है ये। आप देखिएगा ट्वेंटीएथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 असाइनमेंट पे मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द असाइनमेंट, अ वेरी ब्रॉड एलिवेटर इज गोइंग अप वर्टिकली विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रॉड एलिवेटर, काफी चौड़ा एलिवेटर है। एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 2 मीटर पर सेकंड, है ना, किसी टाइम पर इस लिफ्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, उस टाइम पर अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ लिफ्ट विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द फ्लोर एट 30 डिग्री एंगल। मैंने कहा था ना ये सब क्वेश्चन में दिया जाएगा तुम्हें, तो ये 2 मीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है, एक्चुअल वेलोसिटी दी गई है। क्वेश्चन पढ़ करके क्या लग रहा है, क्या ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड? खुद देख लो, आप पढ़ लो क्वेश्चन, अपने आप समझ में आएगा एक्चुअल है ही नहीं, ये रिलेटिव टू द फ्लोर है, रिलेटिव टू लिफ्ट है। इसका मतलब ये रिलेटिव टू लिफ्ट का मतलब लिफ्ट को स्टेशनरी मानने के बाद ये वेलोसिटी है, इसका मतलब ये स्टोन की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं हुई, ये इस स्टोन की रियल वेलोसिटी नहीं है। और ये सब मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा है। अब कह रहे टाइम टेकन बाय स्टोन टू रिटर्न टू द फ्लोर, देखो कैसे करोगे, टाइम टेकन टू रिटर्न टू द फ्लोर, यहां थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, लेकिन सिर्फ वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया है। देखिए अगर अगर हम लोग इस स्टोन को लिफ्ट के अंदर से देखें, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, हम इस बॉल की कुछ एक्चुअल वेलोसिटी मानेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि इस बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी, इस बॉल की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो v है और अल्फा एंगल पर है, ये मैं उसकी एक्चुअल वेलोसिटी यानी ग्राउंड फ्रेम वाली वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ये मैं लेट कर रहा हूं, और जो लिफ्ट है, जो लिफ्ट है उसके बारे में भी देख लो, लिफ्ट के बारे में कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बॉल की एक्चुअल एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉल हवा में चली जाएगी और जब कोई बॉडी हवा में चली जाती है तो उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगा, उसकी रियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी ग्रेविटी। आप ध्यान से सुनना वरना फिर कहोगे कि सर समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास अब ऑप्शन है भी नहीं। नहीं अनंत, एंगल अलग अलग आएंगे, जो एंगल लिफ्ट के अंदर है और बाहर ग्राउंड का एंगल अलग है, और यही उस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है। क्वेश्चन तो देखो,
इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी यही पूछा है। तो अब बताओ लिफ्ट को रेस्ट में कैसे माना जाए। लिफ्ट कंसीडर्ड एट रेस्ट, चलो क्या करेंगे, लिफ्ट कंसीडर्ड एट रेस्ट, लगाओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को पहले रिवर्स करो, दोनों को रिवर्स कर दो और रिवर्स करके यहां सुपर इंपोज कर दो, क्या हुआ देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos अल्फा, वर्टिकल वेलोसिटी v sin अल्फा, ध्यान से सुन लीजिए, अब इसे 2 मीटर पर सेकंड को रिवर्स करेंगे तो डाउनवर्ड आएगा, तो किसमें सुपर इंपोज करोगे, v cos अल्फा में या फिर v sin अल्फा में। लिफ्ट तो मोशन में है ना, लिफ्ट इन मोशन है, रुका हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर करेंगे रेस्ट पे, तो हम इसे 2 मीटर पर सेकंड को रिवर्स यानी कि नीचे लाओ, डाउनवर्ड करूं, और डाउनवर्ड करने के बाद जब तुम यहां लाओगे तो ये एक्चुअल में यहां से माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस 2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो सेम काम वही काम एक्सेलरेशन में भी करना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो पहले से है, इसका जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको पहले रिवर्स करा जाए, रिवर्स करेंगे तो नीचे होगा वो डाउनवर्ड 1, वो 1 इसमें सुपर इंपोज हो जाएगा, तो प्लस 1 यानी कुल मिला के कितना हो गया, वो कितना हो गया एक्सेलरेशन, तो आंसर है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिंपल सा स्टेटमेंट जो कितना काम आ रहा है आपके। अच्छा अब ये बताओ, ये जो 2 मीटर पर सेकंड और ये 30 है, इसके कंपोनेंट करते हैं, तो इसके कंपोनेंट करने पर 2 cos 30 और इधर 2 sin 30 यानी 2 × 1/2, इन कंपोनेंट को कंपेयर किससे करोगे, इनको किससे कंपेयर करना होगा आपको, क्योंकि ये तो रिलेटिव टू लेफ्ट दिया था ना इन्होंने, रिलेटिव टू लेफ्ट, तो जब लेफ्ट कंसीडर्ड एट रेस्ट है तो यही चीज तो रिलेटिव टू लेफ्ट हो गई, लेफ्ट कंसीडर्ड एट रेस्ट का मतलब रिलेटिव टू लेफ्ट हुआ, तो क्या ये कहा जा सकता है कि v cos अल्फा, क्या ये कहना सही रहेगा कि v cos अल्फा इस 2√3/2 यानी कि √3 के बराबर है, और v sin अल्फा -2 ये इस 2 × 1/2 यानी कि 1 के बराबर है, क्या ये चीज सही है स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है। देखो मैंने एक्चुअल वेलोसिटी लेट की थी, इस पे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल वेलोसिटी आपने लेट की है, लिफ्ट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, बट लिफ्ट वॉज इन मोशन, वी कंसिडर द लिफ्ट टू बी एट रेस्ट बाय सुपर इंपोजिंग इट्स अपोजिट वेलोसिटी एंड अपोजिट एक्सेलरेशन टू द बॉल, बाय सुपर इंपोजिंग अपोजिट ऑफ दीज टू वैक्टर्स टू द बॉल, नाउ द मोशन ऑफ अ बॉल इज रिलेटिव टू लिफ्ट विच इज गिवेन एज 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री एंगल। आप बताओ सॉल्व करके इन दोनों से, नाउ सॉल्यूशन पार्ट पर आओ, अब इन दोनों से सॉल्व करके बताओ अल्फा कितना आएगा, अल्फा क्या आ रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखो कि अल्फा क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है अल्फा, और यही आपके 20th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, 20th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पढ़ो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन द ग्राउंड फ्रेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन द ग्राउंड फ्रेम, ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आ रहा कि नहीं आ रहा इससे अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, हाँ एंगल भी फ्रेम, मोशन की हर चीज फ्रेम डिपेंडेंट है, मोशन की हर चीज फ्रेम डिपेंडेंट है, एंगल वेलोसिटी ट्रिजेक्ट्री एक्सेलरेशन सब कुछ। हाँ जी अभिज्ञान, थैंक यू। फोर्स मोशन में नहीं आता बेटा, मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी आते हैं और टाइम आता है, फोर्स एक अलग क्वांटिटी है, उसके लिए न्यूटन लॉ है। अच्छा अभी और दो पार्ट्स बचे थे, बस वो कंप्लीट कर दें, बाकी इवनिंग वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, रिवर बोट को मैंने सेपरेट रखा हुआ है, रिवर बोट अलग से करेंगे,
रिवर बोट को मैंने जानबूझ के सेपरेट किया हुआ है, उसको हम इवनिंग की क्लास में थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूटन लॉ पढ़ाएंगे, रास्ते हमारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। बाकी पार्ट्स के लिए उन्होंने क्या बोला है, बाकी पार्ट्स के लिए ध्यान से सुनने गए यहाँ पर, टाइम पूछा है ना, टाइम ही तो पूछा है, तो टाइम निकालने के लिए फ्रेम कौन सा यूज करेंगे, ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, टाइम के लिए कौन सा फ्रेम यूज करोगे, टाइम कैलकुलेट करने के लिए फ्रेम कौन सा ले, ग्राउंड वाला या लेफ्ट वाला। तो थ्योरी कहती है कोई भी ले लो, थ्योरी कहती है कोई भी फ्रेम लो, बिकॉज टाइम सबके लिए एक होता है। मैं चूज कर रहा हूं लेफ्ट का फ्रेम, मैं लेफ्ट फ्रेम चूज कर रहा हूं। जानते हो क्यों चूज कर रहा हूं मैं लेफ्ट का फ्रेम क्यों चूज करूंगा, ये भी तो मन में आएगा क्यों, क्योंकि लेफ्ट का फ्रेम चूज करने का मतलब लेफ्ट को स्टेशनरी मान लिया जाएगा, और जब आप इसको स्टेशनरी मानोगे तो जिस लेवल से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे उसी लेवल पर वो लैंड भी करेगा। अगर आप लेफ्ट को कंसीडर करते हो कि ये रेस्ट पे है, तो लैंडिंग पॉइंट और लॉन्चिंग पॉइंट एक ही लेवल पर मिलेंगे आपको। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, प्रोजेक्टाइल को अगर आप मोशन में कंसीडर करते हो, अगर लेफ्ट को मोशन में कंसीडर करते हो, अगर आप लेफ्ट का मोशन कंसीडर करते हो, तो लैंड करते वक्त ये पॉइंट किसी हाइट पर होगा, मतलब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी न्यूमेरिकल करने के लिए, इसीलिए लेफ्ट का फ्रेम चूज करो, फायदे में रहोगे। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हो। सो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोग इस तरीके से निकालते थे प्रोजेक्टाइल में, कि वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू टी स्क्वायर, ये लगाते थे। तो वर्टिकल कितना हुआ बच्चे, यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगर यहां से यहां आए तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या किया हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो रहा मेरा। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी क्या रखेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी क्या रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल वेलोसिटी आप लेफ्ट के फ्रेम में हो, लेफ्ट के फ्रेम में, तो आपको सब कुछ रिलेटिव टू लेफ्ट करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट को रेस्ट पर कंसिडर करने के बाद, लेफ्ट को रेस्ट पर कंसिडर करने के बाद वाली वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, और वो क्या थी, v साइन अल्फा माइनस टू, जिसकी वैल्यू 1 है, इसको 1 से कंपेयर किया है और इसको रूट 3 से कंपेयर किया है, तो वर्टिकल वेलोसिटी 1 लेंगे इनटू टाइम t हाफ, एक्सेलरेशन क्या लोगे, लेफ्ट का फ्रेम मतलब लेफ्ट कंसीडर्ड एट रेस्ट, व्हेन द लेफ्ट इज कंसीडर्ड एट रेस्ट एक्सेलरेशन इज 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 11 लेंगे लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से, और इनटू टी स्क्वायर, यहां से तुमको टाइम की वैल्यू मिलेगी 2/11 सेकंड। अरे भदौरिया जी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो भी है, जहां से चले उसी लेवल पर आ गए हो, क्या हो गया आपको, ये हॉरिजेंटल लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हॉरिजेंटल है, बाद वाला पॉइंट भी हॉरिजेंटल है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया प्रोजेक्टाइल का, है ना। और रेंज क्या हुआ, रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए तो हम लोग हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, उसके लिए यूएक्सटी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगाते हो, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है रूट 3 है, टाइम 2/11 और सेकंड फैक्टर जीरो हो जाएगा, सेकंड फैक्टर इसलिए जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो क्यों आएगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, जो भी है वो वर्टिकल है, हाँ प्रणव, वो तो रेंज अलग अलग होगा बिल्कुल, एक्चुअली ग्राउंड के हिसाब से लैंडिंग पॉइंट
जहां से लॉन्च किया उसके ऊपर है। अब तुम लोग ना एक काम करना, मैं जैसा गाइड कर रहा हूँ अभी आप अच्छा सर्कुलर मोशन पैकेज छोड़ दीजिएगा, अभी नहीं करना उसको, उसमें वर्क एनर्जी का भी कंसेप्ट है और डायनेमिक्स का भी कंसेप्ट है, तो उसको अभी ना लगाओ। अभी आप एक काम करो, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, 19th क्वेश्चन पैकेज का जो 19th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन ऑफ द पैकेज, ठीक है, ये ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 और 24, असाइनमेंट्स का, हाँ जी असाइनमेंट का, इवनिंग वाली क्लास में आज के रिवर बोट प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होगा, मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स के आसपास डिस्कस करेंगे, एंड देन न्यूटन लॉ में आगे का कंसेप्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू जी, ठीक है।